श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 14 से 28। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वामयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित परायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तात्पर्य, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाएं। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप, व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। मनः प्रसादः सौमत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानः समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तात्पर्य, मन को संयमित बनाने का अर्थ है इसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधं नरैः अफलाकांक्षेभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा
केवल परमेश्वर में प्रवित मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। तात्पर्य, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तात्पर्य, मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्योपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तात्पर्य, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, यहाँ पर मद्यपान तथा द्युत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। ओम तत्सदति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविदः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा।
सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थीं। तात्पर्य यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये भ्रम ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु हो। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। ये वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येतद् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सदैव सौम्य तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तात्पर्य ओम तद विष्णु परम पदम। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तदित्यन्भिसन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तात्पर्य आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ति कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञ तपसि दान च स्थिति ही सदति चोच्यते कर्म चैव तदिर्थयम् सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापपुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। तात्पर्य
प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहित हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवित धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थियम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। अश्रद्धयाहुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्यनोह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किए जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि कर्मिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।